तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ स्ट्रीट फूड विद बिलाल चैनल के साथ तारिक बिलाल, और आज हम आए कोरंगी नंबर 4 पे। और कोरंगी नंबर 4 पे ना सिर्फ कराची का बल्कि पाकिस्तान का सबसे सस्ता तरीन पिज़्ज़ा यहाँ पे मिल रहा है, ओनली 100 रुपीज़ में, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ में। और देखें, इन्होंने मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा कितना अच्छा सेटअप बनाया है, और सिर्फ़ एक छोटी सी जगह पर, महदूद जगह है, और महदूद जगह पर इन्होंने कितना अच्छा सेटअप बनाया आवाम की सहूलत के लिए, इसीलिए आवाम भी आती है, जायका भी इसका काफ़ी बेहतर है। मैंने लोगों से रिव्यू लिया तो काफ़ी लोगों ने इनकी तारीफ़ की कि काफ़ी अच्छा पिज़्ज़ा है, और सिर्फ 100 रुपीज़ में मिल रहे हैं। जो बाकी कराची के बाकी हमने पिज़्ज़ा लैब वगैरह में भी देखा है, बहुत सारी जगहों में देखा है कि काफ़ी कॉस्टली होता है, और काफ़ी यानी कि हर किसी मतवसत तबके इसे ख़रीद नहीं पाता बिल्कुल। और अगर आप यहाँ पे आएंगे, किसी को भी सस्ता पिज़्ज़ा अगर खाना है जो कोरंगी के इर्द गिर्द के इलाके हैं, तो ज़रूर आएँ यहाँ पे एक बार और ट्राई करें। टेस्ट के हवाले से भी काफ़ी बेहतर है, अभी हम भी ट्राई करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों ने रिव्यू दिया है कि काफ़ी अच्छा पिज़्ज़ा है इनका, तो चलें आए हमारे साथ और हम भी ट्राई करते हैं और आपको रिव्यू देते हैं उसके बाद। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। सर ये कि पार्ट टाइम हमारा काम है, फुल टाइम तो वैसे तो मैं भी सरकारी मुलाजिम हूँ, तो मसला ये इसी वजह से कि भाई ने ये लगाया, मेरे बड़े भाई ने, उन्होंने करा था ये काम, उन्होंने तंदूर लगाया था रोटी बनाने के लिए ना पार्ट टाइम में, लेकिन अचानक से आइडिया उनके जहन में आया, फिर उन्होंने सोचा कि पिज़्ज़ा बना लिया जाए, तो फिर उन्होंने पिज़्ज़े पे कन्वर्ट कर दिया ये चीज़ ना, फिर उसके बाद माशाल्लाह से पिज़्ज़े का लगाया, 5 मंथ हो गए हमारे को, आप खुद देख रहे हैं माशाल्लाह से किस तरीके से। नहीं तो आपको लॉस नहीं होता इसमें कि 100 रुपीज़ का आप मतलब पिज़्ज़ा दे रहे हैं सबको, तो बाकी अगर हम लॉस तो सर रेड टू रेड है, 900 में बिक रहे हैं। असल में पता है क्या सर, हमने ये आइडिया जो सोचा इसी वजह से सोचा कि हर बंदा खा सके पिज़्ज़ा, मिडिल क्लास नहीं खा सकते 1200-1300 रुपये का पिज़्ज़ा, तो 100 रुपीज़ का इसलिए रखा है कि हर शख्स अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकता है पिज़्ज़ा खाने की। अच्छा, इसमें इंग्रेडिएंट्स इसके क्या क्या हैं, क्या क्या डलता है ज़रा ये सवाल से आप बताएंगे? फजीता में हमारे जो है शिमला मिर्च डलती है, चिकन हो गई, चीज़ हो गई, और पिज़्ज़ा सॉस हो गई, और ऑलिव्स हो गए, और टिक्के के अंदर प्याज डलती है, और बाकी चिकन्स वगैरह हो गई, और चीज़ वगैरह हो गई, और सॉस वगैरह हो गया सर। बिल्कुल छोटी सी जगह पे देखें कितना बेहतरीन सेटअप है इनका, और 100 रुपीज़ का पिज़्ज़ा ये देखें यहाँ पे। अच्छा, पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले इस पर ऑयल लगाया जाता है, और ये पिज़्ज़ा सॉस इसमें ऐड हो रहा है, इसके बाद चीज़ को ऐड किया जाएगा। अच्छा, ये क्या ऐड कर रहे हैं आप? ये मलाई बोटी बन रही है। अच्छा, मलाई बोटी भी यहाँ पे अवेलेबल है। अच्छा, मलाई बोटी की कॉस्ट क्या है? 100 रुपीज़ है। अच्छा, मलाई बोटी भी आपको यहाँ पे 100 रुपीज़ में मिल सकती है। मलाई बोटी देखें आपके सामने तैयार हो रही है, 4 फ्लेवर है हमारे पास, मलाई बोटी, अफगानी है, बटेटा और मिक्स है। अच्छा, 4 फ्लेवर है आपके पास, कौन कौन से ज़रा बताइएगा दोबारा? मलाई बोटी, अगवानी, टिक्का और फजीता। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और घंटी के निशान को भी दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।